जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देखिए प्रयागराज में पहला हमें कोई एक पंडित मिला है जो कि पूरी भाजपा का समर्थन करते हैं। ये तो बड़े भाई, हम लोग इनके ऑटो में हैं और चले तो रहे, इनका हम जानते हैं कि ये कैसे भाजपा के सपोर्टर करते हैं। और ये बताइए अपने बारे में कुछ। नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा तो आतंकवादी घुस आएंगे। हाँ, और योगी नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में कुछों का राज्य हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। देखिए ये हैं भाजपा समर्थक, ये मुंबई से आए हैं यहाँ पे प्रयागराज। हाँ। और ये देखिए इनका बड़प्पन इतना है, ये मोदी को इतना ज़्यादा मानते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में अपनी ऑटो चलाने के लिए ये बनारस पहुँचे हैं। बनारस भी आएगी और बनारस में ये अपनी क्या करते हैं कि ऑटो चलाते हैं। तो बड़े भाई कुछ और कहेंगे मोदी के बारे में? मोदी जी है तो सब काम मुमकिन हो जाएगा। हाँ, चाहे विदेशी ताकत है वो भी स्वदेशी ताकत मिल के चीन को मार के पछड़ा देगा। वाह, स्वदेशी और विदेशी दोनों मिल के मारेंगे। भैया अपना नाम बताइए थोड़ा। हमारा नाम अविनाश पांडे है, पिता का नाम जमुना प्रसाद पांडे। वाह। और देखिए ये है मुंबई से, मुंबई से केवल एक ही इनका उद्देश्य है, यहाँ पर आने का एक ही उद्देश्य है, केवल योगी मोदी की नगरी में रहे। बस 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 बस, देखा तो नहीं, एक चीज और बताइए हमें। यहाँ सेफ्टी ज्यादा है। अच्छा। हाँ, गुंडों की सेफ्टी रहे, गुंडों का समाया। नहीं नहीं, तो एक चीज बताइए, अभी अभी लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई आप देखेंगे, वो भी तो बीजेपी सरकार में हुई। आतंकी जो है ना, किसान के साथ भी संगठन, कई संगठनों में नहीं वहाँ पे तो किसान मांग कर रहे हैं ना, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया, आप रोक कर रही है। किसान जो है किसानी करता है, ये रास्ता आंदोलन नहीं करना चाहिए उसको। सुन रहे हैं भाई, ये हमारे बड़े भाई बता रहे हैं, किसान को खेती करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए। किसान के साथ आतंक आंदोलन भी हो गया है, विपक्ष आंदोलन भी हो गया है किसान के साथ, तो ऐसे किसान नहीं है, वो हैवान है। हैवान है। देखिए पूरी तरह से ही हमारे बड़े भाई, असली किसान मोदी के हैं, नकली किसान ढोंगी के हैं। वाह, तो लोग ढोंगी के किसान हैं। वाह बड़े भाई वाह। तो भाई एक बात सुन लो, ये बड़े भाई हैं मुंबई से और ये प्रयागराज वाराणसी में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री की सांसदीय प्रयाग वाराणसी क्षेत्र है और ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेफ मानते हैं। 18,000 रुपये 2014 में खर्च किया था मोदी प्रचार प्रसार। अच्छा, अपने ऑटो से? हाँ, 2019 में तब दूसरा बिजनेस करते थे, 75,000 खर्चा। वाह यार वाह, दिल खुश कर दे भैया जी आप। और मोदी जी ने किसानों के जितना मोदी जी दे दिए, कोई सरकार ने दिया न देगा न देने वाला है। वाह। तो भैया एक चीज़ और बता दें, ये भैया हमारे ऑटो चलाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऑटो में हैं और हम लोग जा रहे थे बेली से अपने तेलियरगंज के लिए, तब तक बड़े भाई की ऑटो मिल गई और बड़े भाई का दिल इतना बड़ा है कि इन्होंने कहा कि चलो हमें बस रास्ता दिखाओ, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। और जल थल वायु वन सेवा फ्री है मेरी गाड़ी को। अच्छा, जल थल वायु, इसका मतलब सेवा फ्री इतने कर्मचारियों को। अच्छा, चलते चलते एक चीज और देखिए, इनके ऑटो में सुविधा क्या मिली है कि अगर कोई नेवी का बंदा हो, कोई अगर थल सेना का बंदा हो अथवा वायु सेना का बंदा हो अथवा किसी वन विभाग का बंदा हो, वो अगर इनके ऑटो में बैठता है और अपनी इंट्रोडक्शन देता है तो हमारे बड़े भाई को आप सभी पहचान लीजिए, ये एक रुपए भी उसे नहीं लेते हैं। बड़े भाई आपकी इस कर्तव्य को देख करके सलामी कर रहे हैं आपको। पैसा नहीं, उसको घर पहुंच छोड़ते हैं। वाह यार, जैसे कि हम लोग भी अभी पैसा मुला रहे थे जाने के लिए, 10 रुपए 20 रुपए आपको जो पैसा रहेगा वही देना है। बस 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 बस, बहुत खुशी हुई यार। अच्छा एक चीज और बताइए, गोरखपुर तो क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ का, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे? गोरखपुर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का हो गया। अच्छा, बिजली गोरखपुर में नहीं आती, पूरे उत्तर प्रदेश में आएगी तब गोरखपुर में जलेगी बिजली। अच्छा एक चीज और बताइए, अभी यहाँ से आम आदमी पार्टी ये कैंडिडेट अपना लड़वा रही है प्रयागराज से, आम आदमी केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी आएगी, शाहीन बाग यहाँ भी मचाएगी, उसको भगाना है, उसको नहीं लाना है। नहीं नहीं, सीधे 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 हाँ। तो बड़े भाई को हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं और साथ में जा भी रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कराची। अच्छा, मतलब आपकी कुल मिला जुला करके यही कहना चाहते हैं, मोदी योगी को मानना है। मतलब मोदी योगी इनके लिए सबसे बेस्ट है भाई, ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया को। वाह यार, मतलब हमारे सेना को भी बेस्ट है, ड्राइवर को भी बेस्ट है। अच्छा आप है कहाँ के? भिखारी के भी बेस्ट है, हम जौनपुर जिले से। ये देखिए भैया, गोरखपुर जौनपुर अहमदाबाद सॉरी आजमगढ़ ना, सब एक ही इलाका, जौनपुर बनारस ये सब एक ही इलाका जोड़ करके हमारे बड़े भाई जौनपुर पंडित हैं। वाह,
क्या नाम है, हमारा पूरा नाम बताइए थोड़ा। हमारा नाम है अविनाश चंद पांडे, जमुना प्रसाद पांडे। वाह भैया, ये हमारे पांडे जी, और इनका हुलिया देख लीजिए यार, ये ड्राइवर है, ये ऑटो ड्राइवर, इनकी हुलिया देखिए, मतलब पूरी तरह से भगवा कलर में एकदम ये हो गए हैं, और पूरी तरह से इनका एक ही मत है, केवल बीजेपी को जिताना, दो पे भरोसा करना, मोदी और योगी पे। मतलब ये लगता है कि आतंकवाद यहाँ से खत्म कर देगा मोदी, कर देंगे मोदी और योगी। अच्छा एक चीज और बताइए, मतलब हमारे जो युवा हैं, हमारे साथ जो युवा पढ़ते हैं, युवा लोगों की सुरक्षा जो है भाजपा का है। नहीं, सुरक्षा की बात छोड़िए, वो कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो उन्हें रोजगार कौन देगा? रोजगार कई किस्म का है। अच्छा, जैसे कपड़े में 50 रोजगार है, कबाड़ में 50 रोजगार है। नहीं नहीं नहीं, जो तांबा पीतल में 50 रोजगार है, जो डिग्री युक्त है बंदे हैं, यानी कि जो डिग्री लिए हुए हैं, जो डिग्री लिए हैं वो अपना जो है इंटरनेट से रोजगार करें, इंटरनेट पढ़ी लिखी वाली रोजगार करें। अच्छा, और जो हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो हम मेहनत वाला रोजगार करेंगे, रिक्शा। जैसे मोदी जी हम लोगों को महाराष्ट्र में दे दिए परमिट, हाँ, और लोन भी, हाँ, तो हम भीख नहीं मांगते, भीख मांगना बंद करके रिक्शा चला के कमा लेते हैं। वाह यार, ये देखिए गौरवान्वित है अपने आप में पांडे जी का। और देखिए ये पांडव लोग जो होते हैं ना, ये सनातनी जो भी होते हैं, एक नंबर के मतलब हिंदुत्व होते हैं, और पूरे बीजेपी समर्थक ही हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हाँ, वाह बड़े भाई, मतलब इनको जहाँ पर भी आप पूरी तरह से पहचान लीजिए, ऑलरेडी प्रयागराज में इस समय चल रहे हैं 2 साल से। हाँ। और आपको कभी भी अगर इनके ऑटो में बैठे, इनको ध्यान से आप देख लें, अगर कभी भी इनके ऑटो में बैठे हैं और अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो बड़े भाई का हमारा यही कहना है कि हम 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। तो बड़े भाई आपकी चलिए बहुत अच्छा शुभकामनाएं, और इसी के, हाँ हाँ जरूर, आपके मीडिया को भी, अरे वाह जरूर, मीडिया हमारी पांचवा कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए भाई लोग, आप लोग बड़े भाई के लिए कर दीजिए। मीडिया है तो मुमकिन है, मीडिया नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जज भी उड़ा देगा आप। वाह यार, जज भी उड़ा सकते हैं भैया, प्रयागराज में पहली कोई आदमी मिला है जो कि ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपने हिरासत में ले सकते हैं अगर मीडिया चाहे दे तो। वाह बड़े भाई, दिल खुश कर दिया आप, स्तंभ है यार, चौथे स्तंभ है। वाह, चलिए इसी के साथ भाई धन्यवाद, बड़े भाई को पहचान लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए बड़े भाई के लिए। चलिए ओके, बाय बाय, आप सभी को।